Hi guys, welcome back to my channel. This is me Gayatri. I hope you all are doing great. And today's video is a mix of everything. ये एक चैलेंज वीडियो भी है, व्लॉग भी है और रिव्यू वीडियो भी है. तो आज मैं जाने वाली हूँ रिलायंस ट्रेंड्स और जूडियो. मैं पहली बार जा रही हूँ, मैं आज से पहले कभी नहीं गई. तो और वहाँ जाके मैं देखने वाली हूँ कि मुझे 2000 में जूडियो में क्या मिलता है और 2000 में ट्रेंड्स में क्या मिलता है. इन शॉर्ट अ कंपेरिजन ऑफ बोथ कि जूडियो और ट्रेंड्स में क्या कैसा मिलता है, क्या मिलता है सब कुछ. बाकी आप लोग आगे वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा. तो सी यू. तो सबसे पहले मैं गई थी जूडियो, जब मैं रोहतक गई हुई थी मैं तब गई थी. और घुसते ही मैंने कुछ क्रॉप स्वेटर्स देखे थे. ये सब आई गेस 499 के थे, बट इनका फैब्रिक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. ये ब्लैक वाले का फिर भी अच्छा था, ये भी 499 का था, बट मुझे इतना अच्छा नहीं लगा तो मैंने नहीं लिया. फिर उसके बाद ये कुछ ड्रेस, ये ड्रेसेस 700 या 800 की थी, ये 500 की नहीं थी. फिर ये कुछ स्वेट शॉर्ट्स थी, ये भी 400 की मिल रही थी, सेल लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, बट इनका फैब्रिक इतना अच्छा नहीं था. और ये ड्रेस भी, इसका फैब्रिक भी मेरे को अच्छा नहीं लगा, ये भी 400 की ही थी. तो नीचे तो मोस्टली यहाँ पे वेस्टर्न वेयर है गर्ल्स के. तो अब हम इसके सेकंड फ्लोर पे आ चुके हैं और सेकंड फ्लोर पे बच्चों के कपड़े हैं और थोड़े इंडियन हैं. तो अब देखते हैं हमें इंडियन कैसे मिल पाते हैं. वेस्टर्न अच्छे थे, चीज़ें प्राइस के अकॉर्डिंग थोड़ी, कपड़ा अच्छा नहीं था, बट कुछ चीज़ें प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी भी थी. वो आज सब आपने देख ही लिया होगा. तो अब मैं इंडियन देखते हैं कैसे यहाँ पे, और इंडियन दिखाती हूँ. इंडियन में काफ़ी ड्रेसेस और काफ़ी कुछ कलेक्शन है, तो देखते हैं कुछ मिल पाता है. इस टाइप के कुर्ते भी हैं और काफ़ी लॉन्ग ड्रेसेस भी हैं जो आप वेस्टर्न टाइप में कैरी कर सकते हो या इंडो वेस्टर्न पहन सकते हो. ₹900 की है, ₹500 की है ये बस. और बैग भी डिज़ाइनर बैग, इसमें अपना साइज देखना मिल जाए. ये एक ऑरेंज ड्रेस मेरे को बहुत पसंद आई थी, बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं मैंने क्यों नहीं ली. ये 799 की थी आई गेस, हाँ 799 की थी, और प्राइस के अकॉर्डिंग मेरे को अच्छी भी लगी थी ये, पर पता नहीं क्यों नहीं ली. फिर ये कुछ कुर्तीज़ थी जो सिर्फ 499 की थी, फैब्रिक काफ़ी अच्छा था. मेरे को इंडियन कलेक्शन ज़्यादा अच्छी लगी वेस्टर्न से. और बहुत सारी तो 200 की भी कुर्तीज़ थी, तो बहुत अच्छी थी. तो हमने वेस्टर्न भी देख लिया, इंडियन भी देख लिया, अब हम फुटवेयर देखते हैं कि कैसे. और वेस्टर्न और इंडियन में से कुछ चीज़ें मुझे ले दी है, वो मैं ट्राई करूँगी तब आपको दिख जाऊँगी. तो पहले फुटवेयर देखते हैं कैसे क्या है यहाँ पे. ये चप्पल कॉपी करी हुई है इन्होंने और सिर्फ 150 की, काफ़ी अच्छा प्राइस है. ये जो मैं ट्राई कर रही हूँ ये थी 300 की, मतलब 299 की. और मेरे को फुटवेयर का कलेक्शन भी काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी वैरायटी थी फुटवेयर्स में भी, तो मेरे को पर्सनली फुटवेयर काफ़ी अच्छा लगा. और स्पेशली फ्लैट्स की वैरायटी काफ़ी अच्छी थी. शूज़ वगैरह मेरे को इतने अच्छे नहीं लगे, स्लाइड्स भी सही थी, बट मेरा पर्सनल फेवरेट जूडियो में फ्लैट्स हैं. जो सबसे पहले मैंने ये ड्रेस ट्राई करी थी, इसके कलर्स मेरे को काफ़ी अच्छे लगे थे और फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा था. तो फर्स्ट मैंने ये ट्राई करी थी. उसके बाद मैंने एक ये ग्रीन ड्रेस ट्राई करी थी, इसकी भी फिट मुझे काफ़ी अच्छी आई और कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है. नेक्स्ट मैंने एक ये ट्राई करी थी ग्रीन कलर की ही, इसका पैटर्न मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो ये भी मैंने ली या नहीं वो आगे देखना आप. फिर ये कुछ शीट मास्क थे जो 49 रुपीज़ में मिल रहे थे जूडियो में. काफ़ी वैरायटी थी शीट मास्क की भी, और मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं करा था, तो मैं एक लेके भी आई थी. उसका शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पे, तो आप वो भी चेक कर सकते हो. फिर ये कुछ क्लचर्स थे एंड रबर बैंड्स थी 80 की. तो बस मैंने इनमें से तो कुछ नहीं लिया, और अब बिल कराते हैं. जूडियो के बाद मैं गई ट्रेंड्स में, और ट्रेंड्स में मैं सबसे पहले गई इंडियन की तरफ, जहाँ इनका इंडियन कलेक्शन था. और इंडियन में तो मेरे को कुछ भी पसंद नहीं आया, बहुत लेडीज़ टाइप
चीज़ें थी, कुछ गर्ली मिला ही नहीं। फिर उसके बाद मैं गई बैग्स की तरफ, तो ये जो वाइट बैग जो मैं अभी देख रही हूँ ये था 1700 का, तो मेरे को तो वर्थ इट नहीं लगा पर्सनली ये। फिर ये कुछ वेस्टर्न वेयर्स थी, जैकेट्स वगैरह, और काफ़ी एक्सपेंसिव लगा मुझे ट्रेंड्स, क्योंकि 2000 से नीचे तो कुछ मिल ही नहीं रहा था, और सेल भी लगी हुई थी फिर भी नहीं कुछ मिल रहा था। फिर मैंने एक के ढूंढ ढांड के एक ये स्वेटर ट्राई करा जो कि साइज़ मेरे को बहुत बड़ा था। फिर मम्मा ने भी सेम स्वेटर ट्राई करा, तो मम्मा को तो साइज़ काफ़ी सही आ गया, तो मम्मा ने लिया शायद। फिर उसके बाद मैंने एक ये डेनिम जैकेट ट्राई करी, क्योंकि मेरे पास एक भी डेनिम जैकेट नहीं है, तो इसकी फ़िट मुझे काफ़ी सही आई थी। तो बस ट्रेंड्स में तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो बिलिंग करा लेते हैं। तो अब बात करें तो मैं ज़ूडियो से क्या लेके आई हूँ। सबसे पहले तो मुझे मिली थी दो ड्रेसेस ज़ूडियो से, क्योंकि मेरा बजट 2000 था। तो द फर्स्ट वन इज़ दिस, एक सेकेंड, हाँ ऐसे। तो जो पहली ड्रेस थी आपको मैंने ट्राई कर रही थी तब भी दिखाई थी, ये वाली मैं लेके आई थी, ये ऐसे कुछ, ये वाली लेके आई थी मैं। और ये मेरे को पड़ी है 900 रुपीज़ की। 900 के अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी लगी मेरे को ये, इसका फैब्रिक भी काफ़ी अच्छा है, और लेंथ और फिटिंग तो बहुत अच्छी आई थी इसकी। मैंने ट्राई करा था, जब आपने देख लिया होगा वीडियो में। तो एक की ये मेरे को पड़ी थी 900 की, एक मैं ये लेके आई थी, और जो मैं सेकंड लेके आई थी वो थी ये वाली। ये भी मैंने ट्राई करी थी तो आपने देख ली होगी, और ये मेरे को सेल लगी हुई थी तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को ये 500 की पड़ी। तो मैं ये दो ड्रेसेस लेके आई थी, एंड एक मैं फुटवेयर भी लेके आई थी, वो मैंने दिखाए भी होंगे, 150 के गोल्डन कलर के, तो वो मुझे काफ़ी अच्छे लगे। 150 में तो क्या ही आता है, और वो काफ़ी अच्छे थे, तो मैं वो भी लेके आई थी। वो अभी पता नहीं कहाँ रखे हैं। तो एक ये तीन चीज़ें मैं लेके आई थी अंडर 2000 ज़ूडियो से। और अब मैं दिखाती हूँ कि मैं ट्रेंड से क्या लेके आई थी। और अब जो मैं ट्रेंड से लेके आई थी वो थी एक ये डेनिम जैकेट, ये कुछ ऐसी है, कैप है और ग्रे स्लीव्स हैं इसकी, ये कुछ ऐसी डेनिम जैकेट है, ये लेके आई थी मैं ये। और ये मेरे को पड़ी थी 1999 की, 1999 की पड़ी थी मेरे को, और 2000 बजट था, तो बस एक ये जैकेट आई। और कंपैरेटिवली मैं ज़ूडियो में तीन चीज़ें लेके आई हूँ अंडर 2000, तो मुझे ज़ूडियो ज़्यादा अफोर्डेबल और ज़्यादा अच्छा लगा कंपेयर टू ट्रेंड्स। ट्रेंड्स में जो अंडर 1000 थे और अंडर 2000 चीज़ें थी, उनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। ऑल दो सेल लगी हुई थी तब ये मिली मुझे 2000 में सेल के बाद, तो अब पता नहीं उनके रियल प्राइजेस MRP तो क्या ही होते होंगे अगर सेल के बाद भी इतना वो है तो। और ट्रेंड में इतना अच्छा फैब्रिक भी नहीं था, डिज़ाइंस भी नहीं थे, क्वालिटी अच्छी नहीं लगी मेरे को ट्रेंड्स की। तो ज़ूडियो फॉर द विन, एंड आई रियली लाइक ज़ूडियो। ज़ूडियो में एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि उनके जो लिपस्टिक्स के शेड्स हैं और वो वाला थोड़ा एरिया खुली पड़ी रहती है, लिपस्टिक थोड़ा अनहाइजीनिक टाइप है, तो मैं आपको बोलूँगी अवॉइड करना लिपस्टिक्स वगैरह लेना वहाँ से। बाकी क्लोथ्स वगैरह गुड, यू कैन गो फॉर ज़ूडियो। तो बस यही थी आज की वीडियो, अब इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताना, एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आप कौन से वीडियोज़ देखना चाहोगे वो बताना, कोई और स्टोर्स जिसके रिव्यूज़ टाइप में डालूँ, या और कोई ब्लॉग्स और कुछ भी जो आप देखना चाहो कमेंट्स में मेरे को बताना। सी इन द नेक्स्ट वन, बाय।